नमस्कार, मुँ सुरेश आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपणकर यूट्यूब चैनल भिटर क्लासेस को। तो प्रथम तुम्हें मुझे हामार आउ चिजेल रो क्लास नहीं आसती से तुम प्रपरली भाव में बुझीपार मोर आशा एवं से ही चिजेल जो आम चिजेलींग करे हामार द्वारा चिजेल द्वारा जो चिजेलींग करे कौन से मेटाल रिमुव करने गोटे मेटाल को हटेप रिमुव करने से आमर किसी ना कि जो आम चिजेलींग करते कि ना कि एंगेल प्रड्यूस हो जो एंगेल प्रड्यूस हो एंगेल अनुसार आम चिजेलींग तार थिकनेस मेटाल थिकनेस एवं मेटाल प्रॉपर्ली कटिंग कर पावर ताक थाए। तो आज आम जानवा जो चिजेलींग करे तो चिजेलींग एंगेल के रहा दरकार कौ कौ एंगेल अच्छे आउ एंगेल परिमाण के दरकार से आम जानवा आज। तो तार बेसिकल थ्री टाइप्स आम एंगेल अच्छी गोटे है रेग एंगेल आ गोटे है क्लीयरेंस एंगेल आ गोटे है एंगेल ऑफ इंक्लिनेशन। थ्री टाइप्स एंगेल अच्छी तुम देख पार प्रथम फिगर में नॉर्मल जितने चिजेलींग आम करे नॉर्मल चिजेलींग जितने करते तार एंगेल टाइम रहा दरकार नॉर्मल एंगेल चिजेलींग एंगेल जहाँफल कि तार जो थिकनेसटा जो आम मेटल थिकनेसटा यूनिफर्म भाव में रिमूव हम जदि ताकि अधिक कि कम रखुच तार क्लोरन कौन हम। तो प्रथम देखा रेग एंगेल प्रथम देखा रेग एंगेल या रेग एंगेल कहुए या रेग एंगेल कहुए या क्लीयरेंस एंगल बोली कहा जाए एवं या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोली कहा जाए। प्रथम है रेग एंगल आसला क्लीयरेंस एंगल तापर आसला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बुझीगल। ए थ्री टाइप्स एंगल को लेकिन गोटे चिजेलिंग कला टाइम तार कटिंग थिकनेसटा वेरिएशन करे। तो प्रथम डेफिनेशन जाना रेग एंगल क्या कहा जाए क्लीयरेंस एंगल क्या कहा जाए एवं इंक्लिनेशन एंगल क्या कहा जाए। प्रथम देखिए जे रेग एंगल क्या कहा जाए ना द एंगल बिटवीन टॉप सरफेस एंड कटिंग पॉइंट नॉर्मल सरफेस नॉर्मल वर्क सरफेस से कौन कहला द एंगल बिटवीन टॉप फेस कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल वर्क सरफेस। तुम देख पार एटा हूँ चिजेल टॉप सरफेस एटा हूँ चिजेल टॉप सरफेस एवं जो वर्किंग करें जो जब वर्किंग तार नॉर्मल एंगल के 90 डिग्री ये जो एंगल जो मझे एंगल रहा प्रोडक्स है पूरे एक एंगल बोली कहुए। हम कौन कही एंगल बिटवीन द टॉप सरफेस ऑफ द चिजेल चिजेल टॉप सरफेस यहाँ एवं द नॉर्मल वर्किंग एंगल। तो गोटे वर्किंग नॉर्मल एंगल के गोटे जब जो वर्किंग तर नॉर्मल एंगल के 90 डिग्री बुझेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर अनुसार रोज। तो आम टॉप सरफेस चिजेल टॉप सरफेस एवं वर्किंग 90 डिग्री जो मझे जो एंगल रहा यहाँ रेग एंगल बोली कहा जाए बुझीपाल। तापर देखा क्लीयरेंस एंगल क्या कहा जाए से क्लीयरेंस एंगल कहला द एंगल बिटवीन बॉटम फेस एंड टेंजेंट टू द वर्क सरफेस बुझीगल। से कौन कहला ना गोटे चिजेल बॉटम सरफेस जमी तुमको कहे यहाँ चिजेल टॉप सरफेस या टॉप सरफेस क्या टॉप सरफेस कहुए क्या ऊपर रोच आउ या बॉटम सरफेस कह जाए या बॉटम सरफेस कहा जाए। तो जब बॉटम फेस एवं वर्क टेंजेंट अनुसार जो एंगल प्रड्यूस हुए जो बेस सरफेस द्वारा जो एंगल प्रड्यूस हुए क्लीयरेंस एंगल बोली कहा जाए। से कौन कहला द एंगल बिटवीन बॉटम सरफेस बॉटम फेस ऑफ द टेंजेंट टू वर्क एंड सरफेस से कौन कहला ना एंगल बिटवीन बॉटम फेस एंड टेंजेंट टू द वर्क सरफेस बुझीपाल। द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द चिजेल एंड टू टेंजेंट टू द वर्क सरफेस जो वर्क सरफेस आउ चिजेल बॉटम सरफेस भितर जो एंगल प्रड्यूस है क्लीयरेंस एंगल बोली कहा जाए या क्लीयरेंस एंगल बोली कहा जाए या क्लीयरेंस एंगल बोली कहा जाए या रेग एंगल बोली कहा जाए बुझीपाल। आउ गोटे एंगेल रहा आमर जहाँ को कि एंगेल ऑफ इंक्लिनेशन बोली कहा जाए एंगेल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल क्या कहा जाए जिते बड़े आम चिजेलींग करे चिजेल गोटे सेंट्रल लाइन रोचे प्रत्येक जब गोटे सेंट्रल लाइन रोच जोटा कि आम चिजेल भी अच्छी तर सेंट्रल लाइन या सेंट्रल लाइन बोली कह जहाँ कि आम चिजेल पूरा सेंटर जाए था सेंट्रल लाइन बोली कहा जाए चिजेल सेंट्रल लाइन एवं जब सरफेस जाए जब सरफेस टेंजेंट सरफेस पर्यटन कह रहा जब रमर जो रहा आम चिजेल जो सेंटर सेंटर पर्सन रहा सेंटर पर्सन चिजेल सेंटर एवं जब सरफेस पर्यंत जो एंगल टा प्रड्यूस है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोली कहा जाए बुझीपाल। ये तीन टा एंगल तुम बुझीपाल गोटे रेग एंगल गोटे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गए क्लीयरेंस एंगल ए तीन टा एंगल को लेकिन गोटे चिजेलिंग कला टाइम तार जो चिप थिकनेस
तार भी आमर जमा पड़ थाए। आम जाना जदि आम रेक एंगल को कमे दौचे कि क्लीयरेंस एंगल को अधिक रखे तो प्रॉब्लम तार कम हो बुझे। तो प्रथम देखा जदि आम रेक एंगल को बढ़े दौचे जदि आम रेक एंगल को बढ़े दबा तो कौन हम ना जब रेक एंगल को आम बढ़े दबा इटा हूँ तार रेक एंगल यहाँ से तार रेक एंगल ये एंगल जब बढ़े दबा ये एंगल जब बढ़े दबा कौन हम ना क्लीयरेंस एंगल एवं रेगुलेशन एंगल तार लो हो कौन हम ना जब आम रेक एंगल बढ़े दूसरे इनक्लिनेशन एंगल तार लो हो तो यार डिफेक्ट कौन आस देखिए तुम डिफेक्टा कौन प्रोब्लम तुम देखी पार जदि रेक एंगल जब तार जी एक्चुअली रहा दरकार एंगल तार जब अधिका रही जाए तार डिफेक्ट कौन हम ना जो चिजेलिंग करे रेक एंगल जब आम अधिक रखी दूचे अकॉर्डिंग टू रेक एंगल तो ताले कौन हम यहाँ स्लिप हमारे संभावना बहुत रोच कौन हम ना स्लिप हमारे संभावना बहुत रोच जहाँफल कि यहाँ गोटे डिफेक्ट बोली कह जाए चिजेलिंग करा टाइम तुम्हें आउ गए एंगल देख पार इनक्लिनेशन एंगल को हाई करदे कि रेक एंगल को लो करदे आमर एम डिफेक्ट पलैस ये डिफेक्ट पलैस जब ये डिफेक्ट पलैस या डिफेक्ट डिंग डिंग डिफेक्ट बोली कह जाए डिंग डिफेक्ट बोली कह जाए जहाँफल कि सी बेस डीपली आमर मेटाल रिमुव होफल ये डिफेक्ट देखा ये तुम रेक एंगल आम रैक एंगल जो बड़े बढ़ी जाए कौन प्रोब्लम होते रेक एंगल आम कमी जाते कौन प्रोब्लम होते आम रेक एंगल बढ़ी जब आ गए कथा ध्यान दे जिते आम रेक एंगल बढ़ी जाते क्लीयरेंस एंगल कि एंगल अफ इनक्लूजन कमी जाए तो तार अपोजिट आम रैक एंगल अपोजिट को एंगल अफ इनक्लूजन कि क्लीयरेंस एंगल भी तार अपोजिट होते आम रैक एंगल बढ़ी जाए एंगल अफ इनक्लूजन कमी जाए कि क्लीयरेंस एंगल भी कमीज जदि आम रेक एंगल कमे इनक्लिनेशन एंगल बढ़ी किंबा क्लीयरेंस एंगल भी बढ़ी जो आम रेक एंगल को कमे दौचे तो ताल एंगल अफ इनक्लिनेशन बढ़ी एवं एंगल अफ क्लीयरेंस क्लीयरेंस एंगल भी तार बढ़ी जाटा तार प्रॉपर थिला कटिंग एंगल तो या पर आम जानवा जे कौ मेटल के कटिंग जो क्लीयरेंस पॉइंट एंगल के दरकार आउ तार इनक्लिनेशन एंगल के दरकार से आम जाना तुम्हें भी देखी पार ये तुम्हें मुझे किसी मेटेरियाल नहीं आसी आउ तार पॉइंट एंगल के दरकार बेसिकाली आ तार एंगल इनक्लिनेशन एंगल के दरकार से तुमको कह तो प्रथम देख हाई कार्बन स्टील जहाँ एच सी एस बोली कह सर्टकट कह जाए हाई कार्बन स्टील बोली कह जाए हाई कार्बन स्टील को जितने आम चिजेलिंग करके तार पॉइंट एंगल के दरकार ना 65 रहा दरकार 65 डिग्री तार पॉइंट एंगल रहा दरकार पॉइंट एंगल क्या कह जाए एक पॉइंट एंगल को कहुए पॉइंट एंगल पॉइंट एंगल कहुए पॉइंट एंगल कहुए जो पॉइंट एंगल आम कितना दरकार 65 डिग्री रहा दरकार तार एंगल इंक्रीज दरकार 39.5 डिग्री 39.5 डिग्री रहा दरकार सेमती कास्ट आयरन सर्टन ना है सी आई कास्ट आयरन 60 डिग्री रहा दरकार एंगल आम पॉइंट एंगल रहा दरकार 60 डिग्री इंक्रीजेशन एंगल रहा दरकार 37 डिग्री से भाई आमर एम एस माइल स्टील जहाँ कह जाए माइल स्टील 55 डिग्री तरह पॉइंट एंगल रहा दरकार 34.5 डिग्री आम एंगल अफ इनक्लिनेशन रहा दरकार देखा ब्रास ब्रास आम पॉइंट एंगल 50 डिग्री एवं एंगल अफ इनक्लिनेशन 32 डिग्री तक रहा है कपर कपर पर 45 डिग्री है पॉइंट एंगल आउ 29.5 है एंगल अफ इनक्लिनेशन लास्ट शेष देखा आलुमिनियम आलुमिनियम आमर पॉइंट एंगल 30 डिग्री एवं एंगल अफ इनक्लिनेशन 22 डिग्री रहा दरकार जहाँफल कि आमर मेटेरियल कटिंग समय कौन सी प्रोब्लम हम ना मेटेरियल कौन सी डिफेक्ट आसवना एवं चिजेल किसी डिफेक्ट आसवना जहाँफल कि बहुत सहजरे बहुत भल भाव आम कौन सी जब को चिजेलिंग आराम से करा तुम्हें चिजेल गोटे भल टपिक जोटा कि तुम प्राक्टिकल बेसीस प्राक्टिकल बेसीस तुम जो व्हाट्सएप काम कर तुम ये काम आसो तो जदि ये भिडियो तुमको भल लगुच भिडियो को कमेंट करो, लाइक करो एवं सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबो नहीं। सब्सक्राइब करने द्वारा तुम पाखे एमती नुआ नुआ वीडियो पहुंची पारे।